तो आपको आप सभी को मेरी क्रिसमस। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीक़े से घर में केक बनाने के विधि लाई हूँ, और बहुत ही आसान तरीक़े से, घर का चीज़ से, कोई बाहर का चीज़ नहीं। तो चलिए आप लोग देखते हैं, मैंने देखिए कैसे बनाती हूँ मैं केक, और आप लोग घर में बनाइए, बच्चों लोग को दीजिए, और आप लोग से फिर से हैप्पी क्रिसमस। तो चलते हैं। तो मैं इसका सबसे पहले मैं तो एक कटोरी ले ली हूँ बड़ा साइज देख के। तो मैं उसमें सबसे पहले ऑयल डालूँगी, तो रिफाइंड ऑयल, तो आप लोग बटर भी डाल सकते हैं इस जगह पर। तो मेरे पास बटर नहीं था तो ऑयल था, तो ऑयल में डालती हूँ। तो मैं इसमें डाल दूँगी चीनी पिसा हुआ, तो मैं चीनी में ही जो है एक 3 इलायची और 1 लौंग डाल दी थी, तो उसमें अच्छा से मैं पीस ली हूँ इसको। तो मैं इस जो ऑयल है इसमें मैं चीनी का जो पिसा हुआ पाउडर है मैं इसमें डाल के बहुत ही अच्छा से मैं इसको फेंट लूँगी। देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा से मैं फेंट ली हूँ इसको। उतना मेरे पास अभी टाइम नहीं था तो मैं इसको एकदम लिक्विड की तरह नहीं फेंट पाई हूँ। तो मैं यहाँ एक कटोरी, जो छोटा कटोरी से एक कटोरी जो है मैं इस जगह पर मैदा डालूँगी। तो मैदा डाल के जो है मैं इसको अच्छा से दूध डाल के इसको मैं फेंटूँगी। तो आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप जो मिल्क पाउडर जो होता है वो डाल के आप पानी से इसको, इसका जो बैटर है मतलब घोल बना सकते हैं। तो मैं जो है थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छा सा एक घोल बना लूँगी। तो इसमें अभी और दूध लगेगा, तो इसमें और थोड़ा सा मैं दूध डालूँगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूसरा दूध डाल के बहुत ही अच्छा से घोल बना लूँगी, मैंने इसको अच्छा से फिटूँगी से एकदम, मैंने थोड़ा सा भी लम्स गुठली ना रहे, नहीं तो केक है जो अच्छा से फूलेगा नहीं। तो इधर मैं फेंट चुकी हूँ अच्छा से। तो मैं देखिए इस चम्मच से कुछ, देखिए तो मैं कुछ लिखने चाहता हूँ, देखिए तो देखिए बहुत ही अच्छा से इसमें हो जा रहा है, तो मतलब बैटर रेडी है। तो मैं यहाँ केक टिन नहीं ले रही हूँ, घर का नॉर्मल बर्तन ले रही हूँ। तो इसमें मैं जो है घी को अच्छा से मैं इसमें जो बर्तन है उसमें मैं लगा लूँगी, और जो है मैदा है इस पर मैं छिड़ दूँगी, से केक बहुत ही आसानी से निकल आए। तो मैं इसको अच्छा से कवर कर देती हूँ मैदा का, से केक ना चिपके। तो मैं अच्छा से लगा देती हूँ इसको, और इधर जो है बैटर भी बहुत ही अच्छा से तैयार है। तो अभी जो है मैं एक पैकेट इनो डाल दे रही हूँ अच्छा से। तो आप लोग इनो नहीं डालने मांग रहे तो आप लोग सोडा, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, और हल्का नींबू का रस। तो इधर मैं जो इनो डाली हूँ उसमें थोड़ा सा दूध डाल कर मैं इसको अच्छा से मैं जल्दी से फेर दूँगी, और इनो डाल के अब इसको रखना नहीं है। और इसमें जो है मैं 1.5 ड्राई फ्रूट इसमें डाल देती हूँ। तो मैं ड्राई फ्रूट डाल के बहुत ही अच्छा से इसको अच्छा से फेर दूँगी। इसको फेरने के बाद संग संग जो है मैं बैटर को जो घी लगा के मैं ग्रीस करके रखी थी तो मैं उसमें डाल दूँगी बहुत ही अच्छा से। तो इधर मैं अच्छा से, बहुत ही अच्छा से मैं डाल दी हूँ इसको। मैं हल्का सा ठोक दूँगी, मैंने इसको टैप कर दूँगी इसे बहुत ही अच्छा से सेट हो जाए। तो इधर मैं कुकर 10 से 15 मिनट के लिए हीट होने के लिए पहले से रख दी थी, जब मैं कुकर में बना रही हूँ। और इधर मैं इसमें जो रख देती हूँ बहुत ही सावधानी से, क्योंकि हाथ जलने का चांस है, क्योंकि बहुत ही गर्म है अभी, देख सकते हैं। तो मैं इसको अब मैं ढक दूंगी, और यहाँ से जो है सीटी में निकाल दी हूँ, और रबड़ भी निकाल दी हूँ इस कुकर का। तो इधर जो है आधा 30 मिनट से 35 मिनट हो चुका है इसको, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से पक चुका है। और इसको मैं 2 घंटा ठंडा होने के लिए रख दी थी। तो इसको मैं अच्छा से चाकू से चारों जो है गोल गोल करके मैं चाकू लगा लेती हूँ, उसे केक जो है अच्छा से निकाला है। तो एक प्लेट लेंगे, उसमें ऐसे करके मैंने हल्का इसको ये करेंगे, टैप करेंगे पीछे से केक बहुत ही अच्छा से निकाला है।
तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा केक बना था, टेस्टी और बहुत ही जो जितना ड्राई फ्रूट है जो नज़र आ रहा है कितना सॉफ्ट है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कट करके भी दिखाती हूँ से कितना सॉफ्ट बना है। और इस जो मेरी क्रिसमस आप लोग भी घर में बनाइए और बच्चे लोगों को खिलाइए। तो देखिए बहुत ही अच्छा से अंदर से बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट है। तो कितना जालीदार है, तो मैं इसको अभी देख सकते हैं, अभी मैं दे दी हूँ अभी बच्चा को काटने के लिए। आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे कट कर रहा है। देखिए कट कर नहीं पा रहा है, धीरे काटने नहीं आ रहा, बहुत ही हो रहा है। सबसे पहले मैं काटूँगी। देखिए सुबह का टाइम है।